मुंबई के धारावी में मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में नीतीश राणे का बयान सामने आया है। नीतीश राणे ने कहा कि मुस्लिम देश में शरिया कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर अवैध मस्जिदों को नहीं तोड़ा गया तो हम उसके सामने मंदिर बनाएंगे। तो आपको बता दें कि मुंबई के धारावी में आज अवैध निर्माण जो मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ था उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जब बीएमसी की टीम पहुंची तो वहां लोगों ने जबरदस्त बवाल किया। यहां तक कि बीएमसी की गाड़ी पर तोड़फोड़ भी की गई, जिसके बाद फिलहाल 8 दिन के लिए कार्रवाई को रोक दिया गया है। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में नीतीश राणे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देश में शरिया कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर अवैध मस्जिदों को नहीं तोड़ा गया तो हम उसके सामने मंदिर का निर्माण करेंगे। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध हिस्से पर 8 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीएमसी ने 8 दिनों तक कार्रवाई रोकने का फैसला लिया है। इससे पहले आज जब मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए बीएमसी की टीम मौके पर पहुंची थी तो लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया था। नाराज लोगों ने पुलिस और बीएमसी की गाड़ी पर पथराव किया था। इसके साथ ही थाने का भी घेराव किया था, जिसके बाद पुलिस की टीम और बीएमसी की टीम लोगों से अपील करती हुई दिखाई दी थी कि वो अपने घरों को लौट जाएं, जगह को खाली कर दें। धारावी में लोगों की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। फिलहाल 8 दिनों के लिए कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा बीएमसी की तरफ से कहा गया है। सब शांतता माफ से आज हमने जो कार्रवाई है वो स्थगित करने का काम हुआ है। कल रात को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उनको भी हमने विनंती की थी कि ये धारावी अंतर्गत प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रकल्प है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सभी लोगों ने शांततापूर्वक से आदमी यहाँ आके जो है बात अपनी रखी है और आज स्थगित मिली है, सब अभी अपने घर पे गए हैं। मैम लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से क्या मैं अपील करूंगी कि शांति बनाए रखे, संयम बनाए रखे। धारावी सबको पता है कि हम सब एक है, सब लोग साथ में मिलकर यहाँ पे लड़ाई लड़ने का, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे बुद्ध विहार हो, हम सब लोग एक दूसरे की लड़ाई में हमेशा ही शामिल रहे। तो मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने को लेकर ये पूरी लड़ाई, जिसके लिए पहले ही नोटिस जो है वो बीएमसी की तरफ से दिया जा चुका था, इसके बावजूद जब आज बीएमसी की टीम वहां पहुंची तो इस एक्शन पर लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। देखिए, बीएमसी का नोटिस पहले ही जारी किया गया था, मियाद खत्म हो चुकी थी और इसी को लेकर कार्रवाई करने बीएमसी की टीम आज पहुंची, लेकिन लोगों ने बीएमसी की टीम की गाड़ी पर पथराव कर दिया। पुलिस स्टेशन के बाहर उन्होंने हंगामा किया, थाने का घेराव किया। हालांकि एक दल ने जब इस मामले को लेकर बातचीत की तो फिलहाल 8 दिन के लिए इस कार्रवाई को टाल दिया गया है। तो बीएमसी ने कार्रवाई पर 8 दिनों की रोक फिलहाल लगा दी है, लेकिन जब टीम वहां पहुंची थी तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अब आपको धारावी की मस्जिद को लेकर बीएमसी ने जो नोटिस जारी किया था उसके बारे में बताते हैं। बीएमसी की टीम ने 9 सितंबर को मस्जिद का जायजा लिया था और मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की बात कही थी। 14 सितंबर को बीएमसी की तरफ से फिर नोटिस भेजा गया। इसके बाद 19 सितंबर को बीएमसी ने नोटिस भेजा और अवैध हिस्सा नहीं हटाने पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जो मियाद खत्म होने के बाद बीएमसी की टीम आज अपनी कार्रवाई के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन लोगों ने वहां बीएमसी की टीम का घेराव कर दिया, थाने का घेराव कर दिया, जबरदस्त हंगामा किया। जहां मुंबई में 25 साल पुरानी मस्जिद में अवैध निर्माण पर हंगामा हुआ तो वहीं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भी अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर लोग सड़कों पर उतरे और जमकर वहां हंगामा किया। प्रदर्शन अवैध मस्जिदों के निर्माण को रोकने की मांग को लेकर जारी था। सिरमौर हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर हिंदू संगठन के लोग एकत्रित हुए और अवैध मस्जिद के निर्माण को रोकने की मांग उनकी तरफ से उठाई गई। तो एक तरफ मुंबई के धारावी में जहां पर मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए जब बीएमसी की टीम पहुंची तो जबरदस्त हंगामा देखा गया, दूसरी तरफ हिमाचल के सिरमौर से तस्वीर सामने आई जहां लोग हंगामा इस बात को लेकर कर रहे थे कि अवैध मस्जिद के निर्माण उन इलाकों में ना किए जाएं। तो दो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। इससे पहले शिमला से भी ऐसी तस्वीर सामने आई थी जहां पर मस्जिद को लेकर हंगामा हुआ था। मुंबई में मस्जिद पर अब ताजा बवाल हुआ है, धारावी में ये बवाल आज देखा गया। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर पहले भी प्रदर्शन हो चुके हैं। विवाद की शुरुआत संजौली से हुई थी जहां मस्जिद में अवैध निर्माण के लिए लोगों ने जमकर हंगामा किया था।
उसके बाद मंडी में मस्जिद में अतिक्रमण का मामला सामने आया और अब ये विवाद धारावी से होते हुए सिरमौर तक पहुंच चुका है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इनमें से तीन तस्वीरें हिमाचल की है, जहां अलग अलग जगहों पर, जहां संजोली, मंडी और सिरमौर में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर लोगों का गुस्सा देखा गया। वहीं मुंबई के धारावी की तस्वीर आज आपने देखी, जहां पर बीएमसी की गाड़ी पर भी लोगों ने हमला किया, थाने का घेराव भी कर दिया, क्योंकि टीम पहुंची थी मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए।